जय श्री राम दोस्तों, अयोध्या में करोड़ों लोगों का जल सैलाब उमड़ चुका है और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करना, क्योंकि अभी यहाँ पर बड़ा बूढ़ा बच्चा कोई ना आए, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ चुका है। आप देख सकते हैं मेरी हालत, देख लीजिए, एक मेरा जूता गायब हो गया, मेरी सारी धोती फट गई, आप देखेंगे कितना बुरा हालत यहाँ पर हो रही है। कई लोग दब के कुचल गए, मैं आपको बता दूं इतना जन सैलाब यहाँ पर कि बता नहीं सकते, बहुत बुरी ज्यादा हालत है। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि अयोध्या में कितना बुरा हाल हो चुका है। आप देखेंगे पुलिस रोक नहीं पा रही है, इतना जन सैलाब है यहाँ पर। पुलिस देखेंगे दूर दूर तक नजर जाएंगी तो रोक नहीं रही पुलिस, देखो ये देखो पुलिस के बस की नहीं रोकना, देखिए किस हालत में लोग लेकर के आ रहे हैं। देखो बड़े बूढ़े बच्चे अभी ना आए, मेरा निवेदन है बड़े बूढ़े बच्चे अभी यहाँ पर कोई ना आए। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें धर्म की रक्षा के लिए। देखिए दोस्तों जूते चप्पल लोगों के ऐसे पड़े, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की जन सैलाब उमड़ चुका है और बहुत ज्यादा बुरी हालत है। देखिए इस वीडियो में चलिए अच्छा आगे बढ़िए। अरे ये देखिए मेरा निवेदन है, ये देखो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, बहुत ज्यादा जन सैलाब आगे ये देखेंगे, क्योंकि इतना जन सैलाब उमड़ चुका है राम भक्तों का। आप बता सकते हैं आगे से, मैं ऊपर से कोशिश करूंगा दिखाने की आपको, बहुत सारे बच्चे दब रहे हैं और बूढ़े बड़े हैं वो भी दब गए हैं यहाँ पर। आप देखेंगे ये देखो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, चप्पलों से आप हालत देख सकते हो कि किस हालत में राम अयोध्या हो चुकी है, क्योंकि राम भक्तों का इतना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है कि लोग रोक नहीं पा रहे हैं, सिक्योरिटी रोक नहीं पा रही है। आप देखेंगे कितनी बुरी हालत, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आगे तक वहाँ तक जाएंगे तो भीड़ ही भीड़ है और मेरी भी हालत यहाँ पर बहुत बुरी होगी। देखिए मेरा एक जूता निकल गया, जैसे तैसे बच गया, पूरी धोती फट गई, ये पूरी धोती फट चुकी है मेरी। तो मेरा आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें और राम मंदिर के भी आप दर्शन करें, और अभी कोई बूढ़ा बड़ा बच्चा ना आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों को पता चल सकेगी कि अयोध्या में कितना बुरा हाल हो चुका है। आपको बता दें आप जूता चप्पलों के हिसाब से लगा सकते हैं, लोगों के जूते चप्पल ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ से बैरिकेडिंग लगाई गई, यहाँ इतनी भीड़ है कि कम से कम 2 घंटे में जा करके मैं 100 मीटर आ चुका हूँ, 100 मीटर आप आए सोच सकते हैं कितनी बुरी हालत होगी यहाँ पर। ये देखिए बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, लोगों की भीड़ देखो, जूता हो गया, ये देखिए कितना बुरा हालत है। आप देखिए इतना जन सैलाब उमड़ा है, इतना जन सैलाब उमड़ा है, आज तक कहीं भी नहीं उमड़ा है, तो करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आपको बता दें, और बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। राम भक्तों से निवेदन है अभी ना आए, थोड़ा टाइम बाद आप आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर लोगों की, बहुत ज़्यादा। आगे देखेंगे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और अनाउंसमेंट लगातार कर रही है पुलिस, ये देखिए बहुत ज्यादा बुरी हालत है। चलो चलोगे चलो कर जाते हैं दर्शन, चलो आया हाँ चल रहे चलो। जय जय सियाराम दोस्तों, अयोध्या से लाइव जुड़ चुका हूं और यहां का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नज़ारा हुआ है यहां पर कि आज तक विश्व में नहीं हुआ होगा। यहां इतना जन सैलाब उमड़ चुका है, इतना जन सैलाब उमड़ चुका है कि यहां पैर रखने की जगह नहीं। मैं आपको बता दूं मंदिर में कम से कम 10 से 12 लाख राम भक्त पहुंच चुके हैं, जो कि 10-12 घंटे के अंदर ही, और लगातार भीड़ लोगों की जा रही है। मैं आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, जब यहाँ की आप भीड़ देखेंगे तो हक्के भक्के रह जाएंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन ये है आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि राम जन्मभूमि बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। मैं अभी दर्शन करके आया था, मेरे सारे जूते चप्पल और कपड़े सारे फट गए वहाँ पर, क्योंकि भीड़ ही इतनी आ चुकी है, राम भक्त ही इतने आ चुके हैं कि बता नहीं सकते। आप देखेंगे लगातार लोगों की भीड़ आना चालू है, देख सकते हैं कम से कम बताया जा रहा है करोड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए,
बहुत जन सैलाब, लगातार जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पर। आप देखेंगे, दूर दूर तक देखेंगे तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। ये देखिए भाइयों, आपसे निवेदन है, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ना आए इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा तगड़ी भीड़ लगातार चालू है। मैं आपको बता दूं, मंदिर इतना विशाल, ये देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है, दूर दूर तक देखो भीड़ ही भीड़, कम से कम 50 किलोमीटर तक भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। ये देखो, ये जन सैलाब अयोध्या की लाइव तस्वीर देगी आप। ये क्या हो रहा है अयोध्या में, समझ में नहीं आ रहा है, भीड़ ही भीड़ है, बहुत ही तगड़ी भीड़। सभी को जय श्री राम। अयोध्या पावन नगरी से आप लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, जय श्री राम लिखें। राम भक्त जितने भी हैं, और जितने भी राम भक्त हैं, हो सके तो अभी ना आए, नहीं तो बहुत हालत खराब होने वाली है सभी की, बहुत ज्यादा। दोस्तों आप सभी से बताते हैं, हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर के आऊं रावण के गांव, जहां पर रावण का कभी भी पुतला नहीं फूका जाता है। आपको बता दूं, ये वही स्थान है जिस स्थान पर रावण ने अपने 10 शीश काट करके भगवान शंकर को दे दिए थे। आज भी वह शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, और वह शिवलिंग आज भी लाल है। आपको दर्शन कराऊंगा, आपको चित्र दर्शा देता हूँ। ये देखिए सामने, आप देखेंगे रावण ने इसी तरीके से शिवलिंग पर अपने 10 शीश काट करके दे दिए थे, और आज यहाँ पर चमत्कार हुआ। उस चमत्कार के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। उससे पहले आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और दुनिया दर्शन कर सके कि आज भी 7,500 साल पुराना वह शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि 7,500 साल पुराना वह शिवलिंग यहाँ पर आज भी विराजमान है, और आपको बता दूं ये त्रेता युग से यहाँ पर विराजमान है। आपको दर्शन कराने के लिए आया हूँ उस स्थान के, जिस स्थान पर रावण ने 10 शीश अपने काट करके भगवान शंकर को दे दिए थे, और वह गुफा भी आपको दिखाऊंगा, जिस गुफा जो गुफा गाजियाबाद तक जाती है, जो कि कई किलोमीटर लंबी गुफा है। आपको वह शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा, पहले आप यहाँ के दर्शन करिए, मेरे साथ बने रहिएगा। जय श्री राम लिखते जाएगा, मैं आपको यहाँ के चित्रों के दर्शन दर्शा देता हूँ, ये देख सकते हैं, और फिर आपको चमत्कार के बारे में दिखाऊंगा कि चमत्कार क्या हुआ है रावण के गांव में। अयोध्या में 22 जनवरी को खुशियां मनाई जा रही थी राम आने की, और यहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख करके आप हिल जाओगे। आप दर्शन करिएगा उस शिवलिंग के, पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यह शिवलिंग आज भी लाल हो रखा है। मैं आपको बता दूं, ये जो शिवलिंग है, जिस शिवलिंग पर भगवान रावण ने अपने 10 शीश दिए थे, वह शिवलिंग आज भी लाल है। आपको और जगह, भैया थोड़ा पकड़ना, आपको और जगह शिवलिंग काले कलर का दिखाई देगा, पर आज आपको दर्शन कराऊंगा लाल कलर का। ये देखिए अष्टकोणीय यह शिवलिंग है, आप दर्शन करिए। और बताते हैं यहाँ पर जो भी भक्त आता है अपनी मनोकामना लेकर के, उसकी मनोकामना भी शंकर भगवान पूर्ण कर देते, क्योंकि जब रावण की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण की गई थी तो भक्तों की भी यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए आप देखें, दर्शन कराई हुए अच्छे से, ये लाल कलर का है। बताते हैं ये है रावण के खून से लाल हो गया था। आप दर्शन कर रहे हैं, अद्भुत दर्शन करा रहा हूं मैं आपको। हर हर महादेव लिखेगा, और जिस जिसकी का मनोकामना है वह कमेंट में जरूर बोले, और अपने मन में भाव जरूर रखे। देखिए दोस्तों, मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ यह वही शिवलिंग का। मैं आपको चमत्कार के बारे में बता देता हूँ, चमत्कार क्या हुआ था, और वह आपको गुफा भी दिखा देता हूँ, जो गुफा जाती है गाजियाबाद तक, जो कि कम से कम 50 से 60 किलोमीटर यहाँ से की दूर पड़ता है गाजियाबाद। और ये जो गुफा है आप दर्शन कर रहे हैं, नीचे से गुफा जा रही है, और ये देखेंगे ये गुफा जा रही है जिस गुफा से रावण आया जाया करता था, ऐसा बताते हैं। और पुलस्त्य ऋषि द्वारा, यह जो रावण के पिताजी थे उनके द्वारा यह शिवलिंग बनाया गया था। मैं आपको बता देता हूँ चमत्कार हुआ है, क्या हुआ है। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ में, बने रहिए। रावण का गांव अपने आंखों में बसा सकते हैं। ये देखिए भाई, गणेश भगवान की यहाँ पर प्रतिमा है, शंकर भगवान की भी यहाँ पर प्रतिमा है। ये आप जो लोग घर ने जो लोग नहीं आ पाते हैं, घर बैठे दर्शन करिएगा मेरे साथ में, ये देख सकते हैं। आपको बता दूं कि पहली बार यहाँ पर राम जी की भी प्रतिमा बनाई गई है। मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ, देखिए यह चमत्कार हुआ, क्योंकि यहाँ पर राम को नहीं माना करते थे लोग, इतना नहीं मानते थे, उनकी जो रावण थे उनकी यहाँ पर कभी भी पुतला नहीं जलाया गया। मैं आपको बता दूं ये वह गया हमें, ये देखिए शनिदेव भगवान के दर्शन करिए, शनिदेव भगवान यहाँ पर विराजमान है। और बताते हैं जहाँ रावण का वास है वहाँ शनिदेव भी, ये देखिए दर्शन करिए आप, शनिदेव भगवान है यहाँ पर विराजमान है। शनिदेव भगवान जय हो, कलयुग के साक्षात देव हैं शनिदेव भगवान। ये देखिए ये रावण का गांव है, पूरी तरीके से आप देखेंगे, ये देखिए बिसरक इस गांव का नाम है, आपको बताएं बिसरक। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ राम जी के, यहाँ पर जो राम जी की प्रतिमा राम दरबार यहाँ पर दर्शाया गया है, और यह चमत्कार है अपने में, ये दर्शन करिए।
ये देखिए, ये है विश्वेश्वरा जी। ये देखिए, ये विश्वेश्वरा जी के दर्शन कर रहे हैं आप। इन्हीं के द्वारा बताते हैं शिवलिंग प्रकट किया गया था। ये देखिए आप दर्शन करिए, ये गौरी शंकर भगवान के साक्षात दर्शन करिए आप। ये गौरी शंकर के दर्शन है। ये देखिए माता रानी के दर्शन करिए। कल की भगवान जी के दर्शन आप करें, ये कल की अवतार है, आप दर्शन करें। जय श्री राम लिखें कमेंट में, हर हर महादेव लिखें। ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन है। और पहली बार, हाँ जी पहली बार यहाँ पर रामचंद्र भगवान की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कभी यहाँ पर पूजा नहीं हुआ करती थी, रावण की यहाँ पर पूजा हुआ करती थी, शंकर भगवान की यहाँ पर पूजा हुआ करती थी। यहाँ पर रामचंद्र भगवान और राम दरबार को पूरा यहाँ पर स्थापित किया गया, आप देखेंगे। ये देखिए रामचंद्र भगवान की स्थापना यहाँ पर की गई 22 जनवरी को। पूरे विश्व में जब खुशियाँ मनाई गई थी तो यहाँ पर भी खुशियाँ मनाई गई है। देखिए दर्शन करिए। और वीर बजरंग बली भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। देखिए तो दोस्तों अब मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों लाइव जुड़ चुका हूँ राम जन्मभूमि अयोध्या से। आज वह हाथ किस काम के जो नाम ना लिखे जय श्री राम के, आज कमेंट में जय श्री राम लिखेगा। और मैं आपको अद्भुत दर्शन कराने जा रहा हूँ पूरी राम जन्मभूमि के। और बता रहे हैं यहाँ के दर्शन करने मात्र से ही लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो जो इच्छा हो आज मन में मांग लीजिएगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। क्योंकि आज रामलला यहाँ पर भव्य तरीके से विराजमान हो चुके हैं। आपको बता दूं इनकी जो मूर्तियां है अयोध्या में आ चुकी है और 22 तारीख को उनको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। आप देखें किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। आप लाइव जुड़ेगा, जय श्री राम लिखेगा। वह हाथ बेकार है जो राम का नाम ना लिख सके कमेंट में। आप बने रहिएगा मेरे साथ में, पूरा दर्शन कराऊंगा मैं राम जन्मभूमि का। आपको अंदर ले जाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जोर तोड़ से काम चल रहा है। ये देखिए पूरी सड़क बना दी गई है यहाँ पर, कितनी कमांडो है, कितनी फोर्स यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए पूरा यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, जो लोग नहीं आ सकते हैं। मैंने सोचा घर बैठे आपको दर्शन आज मैं करा देता हूँ। आज दर्शन करने के लिए आया था फिर दोबारा से, तो मैं आज आपको अंदर ले जाऊंगा और पूरा भव्य तरीके से दर्शन कराऊंगा। देख सकते हैं किस तरीके से पूरी भव्य तरीका से यहाँ पर काम चल रहा है। मेरे साथ में जुड़े रहिएगा और देख सकते हैं पग, हर पग पे आपको फोर्स दिखाई देगी। देखिएगा कितना अद्भुत यहाँ का नजारा है। आप जुड़े रहिएगा, जय श्री राम लिखते जाएगा। मैं आपका नाम भी लेता जाऊंगा, संजय सिंह जी जय श्री राम, कमलेश लोधी जी जय श्री राम, मीनू जी जय श्री राम, अजय कुमार जी जय श्री राम। आप देख सकते हैं पूरा भव्य तरीके से यहाँ पर मंदिर का निर्माण चालू हो चुका है। और धर्मो रक्षति रक्षता, दोस्तों याद रखिएगा, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी। अब भी कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं मोदी जी के मना करने के बावजूद भी और सरकार के मना करने के बावजूद भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। पर आज के बाद यहाँ पर पूरी सख्ताई कर दी जाएगी 18 तारीख के बाद, मैं आपको बता दूं। और देखिएगा मैं आपको पूरा निर्माण दिखाऊंगा। दोस्तों बने रहिएगा क्योंकि आज आप बड़े भाग्यशाली हो जो घर बैठे लाइव जो दर्शन कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली जो इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ में। आप देखिए कितना भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं राकेश चौधरी जी जय श्री राम, कविता रोकी जी जय श्री राम। और दोस्तों रामचंद्र भगवान साक्षात यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी मूर्ति यहाँ पर आ चुकी है। मैं आपको दर्शन कराऊंगा और 22 तारीख को उनका यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप देखेंगे मैं आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ, कितना भव्य यहाँ का नज़ारा हो रखा है। ये जुड़िएगा मेरे साथ में, जय श्री राम लिखते जाइएगा। दरस परस की मंजन पाना, मिटही पाप कह भेद पुराना। अगर तीर्थों में जाते हैं और दर्शन करते ठाकुर जी के, उनके सारे पाप नाश हो जाते हैं। आप सोचिए 500 साल बाद हमारे राम लला विराजमान हो रहे हैं, तो कितने भक्तों का यहाँ पर आज अब उद्धार होगा। ये मैं आपको अंदर ले जाऊं और कितना विशाल काय से बनाया गया है राम मंदिर को, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर। सोचिए कितनी खुशी यहाँ के लोगों में, जय श्री राम का नारा सब लगाते हुए जा रहे हैं, राम राम रटते हुए जा रहे हैं। देख सकते हैं रोड वगैरह, पिलर वगैरह सारे यहाँ पर, और भक्त आते हैं अपनी रंगोली बना बना करके यहाँ पर भक्त जाते हैं। और बता रहे हैं लोग कि ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग में हम आगे हों। मैं आपको दर्शन कराऊंगा, जुड़े रहिएगा। जय श्री राम लिखे जाने के लिए फिर एक बार बने रहिए मेरे साथ, जय श्री राम लिखते आइएगा। पहुंच चुका हूं मंदिर के करीब। आप बड़े भाग्यशाली जो इस भूमि के दर्शन कर रहे हैं जहां पर लला विराजमान है। बहुत ही दिव्य दर्शन मैं आपको कराने वाला हूं। ये देखिए संख किस तरीके से संख बजा रहे हैं, ये देखिए देख सकते हैं ये साधु संतों की टोली आई हुई है और संख बजा रही है। अपन कितना खुशी का माहौल है आप देखेंगे, ये देखिए जगह जगह साधु संतों की टोली।
जय सिया राम, जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो चुकी है अयोध्या नगरी। कितनी खुशी का माहौल है आप सोच सकते हैं। ये देखिए बहुत ही, ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ का दिव्य नज़ारा। राम में हो रखी है नगरी, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो मेन गेट है वह सामने काम चल रहा है उसका। ये देखिएगा सामने आप देखेंगे जो मंदिर का मेन गेट है वहाँ पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। और अंदर अंदर की चोटी के दर्शन करा देता हूँ मैं आपको। राम मंदिर की चोटी भी यहाँ से आपको दिखेगी, अंदर से आप देखेंगे राम मंदिर की चोटी है, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है इसके ज़्यादा जाना। तो मैं आपको यहीं से दर्शन करा रहा हूँ। ये जगह जगह सफाई की मशीनें लगी हुई हैं और आप यहाँ का नज़ारा देखिए कितना भव्य हो रखा है। ये देखिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आपका नाम ले लेता हूँ, अनिल शर्मा जी जय श्री राम, रुचिता शर्मा जी जय श्री राम, वकील चंद जी जय श्री राम, सैफाली राजपूत जी जय श्री राम, सभी को जय श्री राम, अखिलेश कुमार जी जय श्री राम, करण सिंह जी जय श्री राम, सपना मिश्रा जी जय श्री राम। वह हाथ बेकार हैं आज जो जय श्री राम ना लिखें कमेंट में, क्योंकि बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो राम का नाम लिखते हैं कमेंट में। और गलत चीज़ों को तो बहुत वायरल किया जाता है, मेरा आपसे निवेदन है अच्छी चीज़ों को भी वायरल किया करें, क्योंकि गलत तो दुनिया कर रही है, अच्छा करके दिखाओ जितना हो सके अच्छा करके दिखाओ। यहाँ का नज़ारा बहुत ही, यहाँ से हनुमान घड़ी देखेंगे थोड़ी सी दूर, दशरथ महल भी आप जाएं, दशरथ महल भी यहाँ पर थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखेंगे बहुत ही सुंदर यहाँ का, यहाँ पर काम चल रहा है लगातार आप देखिएगा। ये देखिए कितना विकास यहाँ पर हो रहा है। जय श्री राम लिखेगा वह हाथ बेकार हैं आज जो जय श्री राम ने लिखे, सोचिएगा धिक्कार है, क्योंकि यार आप घर बैठे जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते तो यहाँ कैसे राम तुम्हें बुलाएंगे, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा, क्योंकि राम में है, ये राम की दुनिया है साहब। यहाँ त्रेता युग से विराजमान है रामचंद्र भगवान, जय हो, अद्भुत यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा आप सोच सकते हैं। घर बैठे आपको इतना अच्छा लग रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे यहाँ आकर कितना अच्छा लगेगा। राम भगवान से यही प्रार्थना है आपको यहाँ पर जल्दी ही बुलाएं। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।